तो गाइस देख लो, ये है अपनी बजाज पल्सर N160 का बिल्कुल ऑल न्यू ब्रांड न्यू कलर, जो कि है ब्लू कलर में, जो कि बाइक बहुत ही सुंदर लग रही है। एक बार आप फ्रंट से देखो यार, देख रहे हो, साइड से दिखाऊं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन ब्लॉग्स। आज मैं आया हूँ अंबा बजाज से। मैं आपके लिए आया हूँ एक N160 का न्यू कलर आया है, येलो और ब्लू कलर। उसका रिव्यू, उसका एक पूरा आपको वॉकराउंड पूरा रिव्यू दूंगा, रिव्यू इन सेंस वो टेक्निकल रिव्यू नहीं होने वाला। पहले दिखाऊंगा कि क्या क्या कलर में चेंजेस हैं, जो ब्लैक में नहीं था और इसमें है, और जो इसमें था वो ब्लैक में नहीं है, वो एक बार देख लेना वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी वीडियो के लास्ट में मिलते हैं आपसे। तो गाइस देख लो, ये है अपनी बजाज पल्सर N160 का बिल्कुल ऑल न्यू ब्रांड न्यू कलर, जो कि है ब्लू कलर में, जो कि बाइक बहुत ही सुंदर लग रही है। एक बार आप फ्रंट से देखो यार, देख रहे हो, साइड से दिखाऊं, देखो ये देखो, वाइड एंगल पे कर दिया देता हूँ, देखो। और पर्सनली मेरा तो भाई फेवरेट कलर है ब्लू कलर, और ब्लू कलर में बहुत ही क्लियर, बहुत ही बढ़िया लग रही है बाइक। तो देखो, बाइक में ऐसा मैकेनिकल कोई बहुत चेंजेस नहीं है, बट कलर में चेंजेस हैं। तो वो क्या चेंजेस है मैं आपको इस पूरी वीडियो में बता दूंगा, और थोड़ा माइंड में करना बैकग्राउंड को लेके, चीज़ों को लेकर, क्योंकि भाई मैं तो स्टॉक यार्ड में खड़ा हूँ, तो स्टॉक में भाई ऐसे ही रहती है बाइकें, क्योंकि शोरूम में होता है ना, शोरूम में थोड़ा पूरा क्लीनिंग होता है, पर यहाँ पे जनरली कोई आता नहीं है। बट मेरे को आप लोगों के लिए दिखाना था, तो मैंने कहा भाई क्यों ना आपके लिए मेहनत करी जाए और बाइक को स्टॉक यार्ड में जाके शूट किया जाए। तो सबसे पहले फ्रंट से देख लो, फ्रंट से वही अपना बिल्कुल किलर लुक वाला फेसिया मिलने वाला है, वही दो DRLs, एक बाई प्रोजेक्टर है, फंक्शन हेडलैम्प, और यहाँ पे आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा। ये पूरा ग्लॉस ब्लैक है, ये पूरा ग्लॉस ब्लैक है, यहाँ मैट ब्लैक मिलेगा, ठीक है। ये DRLs हैं, ये इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, और ये पूरा देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर है कितना शाइनी वाला ब्लू कलर है, ये देखो। तो ये क्वालिटी है बजाज की, जो इम्प्रूव कर रही है बजाज आजकल। यहाँ पर स्टिकर दिया हुआ है, और ये ब्लू कलर में है मास्क आगे से। और जो अपना मडगार्ड की बात करें, तो मडगार्ड अपना डुअल फिनिशेस आता है मैट ब्लैक एंड ब्लू के साथ, विद यहाँ थोड़े स्टिकर दिए हुए हैं। तो ये देख लो, यहाँ पे ABS की बैजिंग दी हुई है, और बाकी सेम रहने वाला है। आगे फ्रंट टायर की बात करें, 100 सेक्शन का फ्रंट टायर मिल जाएगा आपको इसके अंदर, 117 इंचज़ का टायर मिल जाएगा, 100 की वजह से 17 इंचज़ का आपको व्हील मिल जाएगा ये। और आगे डिस्क है, नियर अबाउट आई थिंक मेरे को लग रहा है 280 mm के आसपास की फ्रंट डिस्क मिलने वाली है, तो बहुत अच्छी है विद ABS रिंग, ये देख लो। और इसमें आपको ग्रामिका के ब्रेक कैलिपर्स मिल रहे हैं, ये रे, यहाँ पे आपको ग्रामिका के ब्रेक कैलिपर्स मिल रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ये देखो। इनकी ब्रेक बाइट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग आपको इसमें मिल जाएगी, और काफ़ी थिक और काफ़ी बढ़िया मोटे वाले सस्पेंशन मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक ये भी मिल जाएगा रिफ्लेक्टर, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी, और ये आपके हेलोजन इंडिकेटर्स हैं, बट इसको आप इसमें आप LED इंडिकेटर्स लगवा सकते हैं N250 वाले, जो कि बहुत बढ़िया लगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टैंक की, तो टैंक वही रहने वाला है अपना सेम, टैंक में ऐसा कुछ नहीं है। कलर देख लो, यहाँ पे पूरा ये ब्लू कलर में, यहाँ पे ये है, और ये पूरा ब्लू फिनिश के साथ दिया हुआ है, और यहाँ पे ब्लैक है मैट ब्लैक, ये पूरा ब्लू है। यहाँ पे पल्सर का 3D लोगो दिया हुआ है, ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव करी है पहले से। और यहाँ पर आपको ब्लैक मिल जाएगा ये, ठीक है, ये पार्ट ब्लैक मिल जाएगा, ये पार्ट ब्लैक मिल जाएगा आपको, ये दे सकते हैं आप। और बाकी मीटर आपको मिलने वाला है, मीटर में भी यहाँ पर आपको ब्लैक लाइट जो मिलेगी वो ब्लू मिलने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और न्यूट्रल का यहाँ पे दिया हुआ ABS, RPM मीटर, और ये आपका इंजन माल फंक्शन, इंजन लो फ्यूल का, जो इंजन के अंदर ऑयल होता है उसका लो ऑयल का है, बैटरी का, ये सब आपको इधर मिल जाएगा। बाकी आपको ये वाइट से मिरर्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे हैं, और ये बैकलाइट स्विचेस वाले आपको ये मिल जाएंगे। मैं दिखाता हूँ इसके बैकलाइट स्विचेस कैसे हैं, बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी उसके लिए, ये देखो, देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है, और इसमें जो हैंडल बार रहने वाला है अपना, ये हैंडल बार अपना सिल्वर फिनिश में कर दिया है, बाकी में ब्लैक कलर में आता है नॉर्मल वेरिएंट में, इसमें आपको सिल्वर फिनिश के साथ आएगा। और इसमें आपके अलॉय व्हील ब्लैक कलर में आने वाले हैं, अलॉय व्हील का साइज़ बिल्कुल वही रहने वाला है, ब्लैक कलर के कर दिया अलॉय व्हील्स, ठीक है। और बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर जो अपना ये दिया रखा है, ये अपना इंजन का जो अपना इंजन काउल, ये आपको पूरा सिल्वर और ब्लैक में, मतलब सॉरी ब्लू और ब्लैक में मिलने वाला है, मैट ब्लैक एंड ब्लू कलर में, तो ये देख लो। बाकी यहाँ पे आप कैटलिक कन्वर्टर दिया हुआ है, और इधर का आपका अंदर की तरफ ये दे रखा है, ये देख लो ऑक्सीजन सेंसर, और ये इसका 160cc का DTSI इंजन दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छी पावर और काफ़ी अच्छा टॉर्क जनरेट करता है। वीडियो पर आपको दिखा दूंगा, नहीं तो आपको लास्ट वीडियो में देख लेना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है, विद 5 गियर्स, और साइड स्टैंड मिडिल स्टैंड आपको मिल जाएगा, और बाइक बनी है अपनी बिल्कुल ऑल न्यू टैबुलर फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिलेगी, यहाँ सिल्वर फिनिश मिल रही है, यहाँ सिल्वर फिनिश में आपको मिल रही है, ये आपका मैट ब्लैक मिलेगा पूरा साइड कवर, और ये पीछे का जो ये हाफ है,
इतना पार्ट जो है ये आपको पूरा सिल्वर फिनिश में मिलेगा, और रियर टेल का जो पार्ट है ना ये वाला, ये आपको मैट ब्लैक मिलेगा, और न्यू वाली टेल लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे एक आपको टायर हगर मिल जाएगा, यहाँ साडी गार्ड मिल रहा है, एक हाफ चेन कवर मिल रहा है, और रियर टायर की बात करें तो 130 सेक्शन का रियर टायर मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है। और एग्जॉस्ट दिखाया था एक बार आपको इसका मैं, तो देख लो यहाँ पे एग्जॉस्ट के पास भी आपको थोड़ा सिल्वर फिनिश मिलने वाली है जो कि बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया लग रही है। और टायर पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ब्लू एंड थोड़ा सा वाइट कलर स्टिकर में आपको एक ग्राफिक्स दे रखे हैं, सेम इधर भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब एक बार सुना के इसका आपको एक बार स्टार्ट करके एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। तो यह है कुछ इसका एग्जॉस्ट साउंड, और बाइक देखो बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया लग रही है बाइक मेरे को पर्सनली। बाकी देखो इसमें आपको कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उसके इंजन से रिलेटेड है, फ्यूल टैंक से रिलेटेड है, उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल के ऊपर, राइड रिव्यू भी इसका है, वो जाके देख लो आप। बट ये कलर के लिए था तो कलर दिखा दिया आपको मैंने कि ब्लू कलर में बाइक कैसी लग रही है। बिल्कुल ऑल न्यू लॉन्च है ये ब्लू कलर में N160 का विद डुअल चैनल ABS, जो कि बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया लग रही है। आपको इसलिए एक बार कमेंट। सो गाइस देखा आपने बाइक को, देखा आपको पूरी बाइक दिखा दी मैंने ब्लू कलर में, बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया लग रही है। मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी N160 और ब्लू कलर, मेरा पर्सनल फेवरेट है ब्लू कलर। और यहाँ पे अवेलेबल है अंबा बजाज पे, GB पाले, अगर जिसको चाहिए अपने डी को फाइनलाइज करने आ जाओ यहाँ पे। और अगर आप मेरा चैनल का नाम लोगे तो आपको अच्छी डील अच्छा ऑफर भी मिलेगा। जल्दी से आओ अपने डील को फाइनलाइज करो, और मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी वीडियो में। जब तक लिए टिल देन सी यू, ओके बाय।